अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू माय किचन माय डिश। दोस्तों, आज हम बहुत ही स्पेशल सी केक की रेसिपी बनाने जा रहे हैं। ये चॉकलेट और क्रेप केक है। तो इसके लिए देखिए, मैंने ये इतना सामान लिया है। मैंने 105 ग्राम मैदा लिया है और इसमें मैंने 40 ग्राम्स चॉकलेट पाउडर डाला है और 40 ग्राम्स शुगर डाला है, पीसी हुई शुगर डाला है, और इसे पूरे को मिक्स कर देंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें हम केक बना रहे हैं लेकिन बेकिंग पाउडर नहीं डाल रहे हैं। इसे हमने स्टेनर से स्टेन कर लिया तो वो पूरी तीनों चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो गई। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 3 अंडे और अब इसे हम ब्लेंडर से फेंट लेंगे। आप चाहे तो विस्कर का यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं है तो आप विस्कर का यूज़ कर सकते हैं और बड़ी आसानी से ये बन जाती है। इसके लिए बहुत ज़्यादा औज़ारों की और मशीनरी की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब इसके अंदर हम ये बटर डालना स्टार्ट करेंगे। 40 ग्राम्स बटर हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और इसके अंदर हमने ऐड करना है 2.25 कप दूध। ये बड़ा सा कप है मेरा, इसके अंदर नॉर्मल कप से 2.25 कप दूध आ गया है। हल्का गुनगुना दूध है और ये दोनों बटर और दूध दोनों को थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते जाएंगे और फेंटते जाएंगे। ये देखिए, मैंने पूरा दूध और पूरा बटर इसके अंदर डाल दिया और ये फेंट के तैयार हो गया। तो अभी सबसे पहले हम इसके क्रेप्स बनाएंगे। क्रेप्स के लिए मैंने नॉनस्टिक पैन को गैस पर रख दिया है, आँच को मीडियम रखा है। उसके अंदर मैंने इस चम्मच से 1.5 चम्मच ये बैटर इसके अंदर डाला और इसे ऐसे घुमाकर बिल्कुल राउंड रोटी के जैसा क्रेप तैयार करेंगे। बिल्कुल बारीक पतला सा क्रेप बन के तैयार होगा। आँच का ध्यान रखें, ज़्यादा तेज़ होगी तो ये बिल्कुल पतला सा है, वो जल जाएगा। तो ऐसे रखें कि जले नहीं। और अब इसे हल्का सा ऐसे करके पलट देंगे। पलट के बस ज़रा देर ही पकाएंगे तो एक एक मिनट में ये एक एक क्रेप्स तैयार होते जाएंगे। तो इतना जो बैटर मैंने बनाया है, देखते हैं 12 से 13 बनने चाहिए। अब ये मैंने सारे क्रेप्स बना लिए इसी तरीके से, ये 13 क्रेप बन के तैयार हुए हैं। साथ में मैंने अब इसके ऊपर क्रीम लगाऊंगी। ये मैंने केक में आइसिंग के लिए यूज़ होने वाली व्हिपिंग क्रीम है, इसे मैंने व्हिप कर लिया है और अब मैं इसे इसके ऊपर लगाना स्टार्ट करूंगी। थोड़ा थोड़ा लगाते जाएंगे, 2-2 टेबल स्पून क्रीम को इसके ऊपर डालेंगे और इसे ऐसे स्टेपुला की मदद से फैला देंगे। राउंड में फैलाएंगे केयरफुली ताकि क्रीम वेस्ट ना हो। अब इसके ऊपर दूसरा क्रेप रखेंगे और इसी तरीके से क्रेप क्रीम करके सारे क्रेप्स को हम क्रीम से कोट कर देंगे इस तरीके से, और एक ये बहुत ही अच्छा सा केक बनके तैयार हो जाएगा। और बड़ी आसानी से, ना ही ओवन की ज़रूरत है, ना ही मिक्सी की ज़रूरत है, ना ही ब्लेंडर की ज़रूरत है, बड़े आराम से। और इतना टेस्टी केक बनता है कि खाने वाले के मुँह में एकदम रेशम की तरह घुल जाता है। तो देखिए, मैंने इस तरीके से सबके ऊपर ये आइसिंग क्रीम को लगा रही हूँ। आइसिंग क्रीम मीन्स व्हिपिंग क्रीम, व्हिप्ड क्रीम को। अब ये सारे पीसेज मैंने अच्छी तरीके से एक के ऊपर एक अरेंज कर दिए, क्रीम केक करके। अब उसके ऊपर मैं ये मेल्टेड चॉकलेट को की एक कोटिंग करूँगी। ये मैंने चॉकलेट को थोड़े से बटर और थोड़ा सा दूध डालकर हल्का गुनगुना गर्म करके लिक्विड कर लिया है और ये बिल्कुल चॉकलेट सॉस के जैसा बन गया है। तो इसे इस तरीके से पूरे केक के ऊपर लगा देंगे। देखिए ऐसे। आप चाहे तो स्टेपुला का यूज़ ना करें यहाँ पर। आप धीरे धीरे जब सॉस को, चॉकलेट सॉस को इसके ऊपर गिराएंगे तो वो अपने आप नेचुरली चारों तरफ फैलती जाएगी। ये देखिए, पूरी चारों तरफ फैल गई और बिल्कुल कोट होके तैयार है ये मेरा केक। 13 लेयर्स हैं इसके अंदर क्रेप की और क्रीम की। अब इसके ऊपर ये पाउडर्ड शुगर का को छिड़क कर इसे सजा देंगे। बहुत ही खूबसूरत सा दिखने लगा है ये मेरा केक, और ये केक मेरा बन के तैयार है। अभी हम आपको इसे कट करके दिखाएंगे। ये देखिए, ऐसे हमने ऐसे, अब आप देखिए क्रीम और क्रेप्स के लेयर्स को देखिए, ये कितनी खूबसूरती से एक दूसरे के ऊपर सेट हो गए हैं और बहुत ही टेस्टी केक बना है। हम इसे खाने जा रहे हैं, आप भी बनाइए और जब बनाएं तो फ़ोटोज़ क्लिक करके मेरे फेसबुक के पेज पर पोस्ट करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। बाय।